नमस्कार, मैं मुग्धा ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की खबर पर। सिरोही में टैंकर और जीप की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही के समीप अनादरा थाना क्षेत्र के कृष्णगंज गांव में बस स्टैंड के पास जीप और टैंकर में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद टैंकर पास में स्कूल की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप में सवार करीब 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन गंभीर घायलों में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कृष्णगंज चौकी और अनादरा थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। वहीं शव को सिरोही की मोर्चरी में रखवाया गया। राजस्थान के सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। भीनमाल में जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ का उद्घाटन किया गया। जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में छात्र संघ का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पूरा राम चौधरी, विनोद कुमार प्रधान, घुसाराम पुरोहित, नगर पालिका चेयरमैन सांवला राम देवासी, जेरूपाला माली, भरत सिंह भोजानी, अशोक सिंह उपावत, सौरभ फौजदार और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजस्थान के जालौर से हीरालाल भाटी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों की जानकारी दी। सड़क हादसों में आए दिन हो रही मौतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को माह नवंबर यातायात जागरूकता माह मनाकर जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसके चलते जागरूकता गोष्ठी, पंपलेट, पोस्टर और बैनरों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। यातायात माह के उद्घाटन अवसर पर मैं कानपुर देहात की जनता को यह बताना चाहूँगा कि आज चुनौतियाँ अधिक हैं, कंपटीशन बहुत है, लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दबाजी बहुत रहती है, समय बहुमूल्य है लेकिन जीवन अमूल्य है, जीवन की सुरक्षा की जानी है और इसके लिए यातायात नियमों का पालन अत्यंत जरूरी है, आवश्यक। पुलिस की तरफ से क्या कुछ नए कदम उठाए हुए यातायात के संबंध में? लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर बैनर, होर्डिंग लगाई जाएगी, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक चिन्हित करके जहां पर बच्चों की पर्याप्त संख्या होगी वहां पर मैं स्वयं और मेरे जो अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी एवं हर स्तर के अधिकारी विद्यालयों में जा करके यातायात के संबंध में बच्चों को जानकारी देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे बेस्ट मैसेंजर्स हैं। अगर हमने बच्चों को अपनी बात समझा दी तो फिर बच्चे अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को उन नियमों का पालन करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सर, आज यातायात माह का पहला दिन है लेकिन कानपुर देहात में एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है, 3 सवारी 4 सवारी लोग निकल रहे हैं, सर क्या लग रहा है यातायात माह सफल हो पाएगा? यातायात बिल्कुल सफल होगा। यातायात मैंने बताया कि 3 बिंदु इसके मुख्य हैं, पहला एजुकेशन, दूसरा इंजीनियरिंग और तीसरा इन्फोर्समेंट। एजुकेशन लंबा कार्यक्रम है जिसके लिए मैंने अपनी आपको रोड मैप बताया कि हम चौराहों पर, तिराहों पर बैनर, होर्डिंग्स लगाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी खेले जाएंगे, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, पेंटिंग्स कंपटीशन आयोजित किया जाएगा एवं मेरे सहित अधिकारी जितने भी हमारे अधीनस्थ हैं वो जा करके वहाँ पर बच्चों को टीच करेंगे, ये मानते हुए कि बच्चे बेस्ट मैसेंजर्स हैं। सर वहीं पे मैंने कहा ना कि
इन्फोर्समेंट का काम तो होगा, उसमें पुलिस भी रहेगी और परिवहन विभाग भी रहेगा, उसका भी हम साथ लेंगे। यातायात माह में हमारा सबसे ज़्यादा जो लोगों को एजुकेट करने पर रहेगा, और अगर कहीं ऐसा तिराहा चौराहा है जिसमें टेक्निकल कारण से कोई बात ऐसी है कि उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करके वहाँ उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों पर इसका असर होता दिख नहीं रहा, लोग बाइक पे तीन सवारी बिना हेलमेट के बेखौफ होकर चल रहे हैं। आगे अभी आ रहेंगे, हेलमेट उसी में रख के भूल आएंगे। नहीं तो हम कहे तो रहे हेलमेट हम लगाई के चलते हैं, लेकिन दुकान हेलमेट में बंद हो गया, गुरुजी चले गए बाहर, तो इसलिए हम चले आए। आप मानते हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है? इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं? नहीं, दुकान गुरुजी चलेगा, हम इसको लेने चलेगा, गुरुजी चलेगा उतने में। हेलमेट दुकान में रखा हुआ ना। ऐसा ही कुछ नज़ारा कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां एक ओर अकबरपुर कस्बे में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कानपुर देहात पुलिस लोगों को यातायात जागरूकता माह में गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर रही थी, वहीं यातायात नियमों को ताक पे रखकर बाइक सवार बिना हेलमेट और तीन सवारी लाद कर बेखौफ होकर निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से राहुल कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसहायगंज में एक साले ने अपने जीजा को गोली मारी। दिन दहाड़े साले ने अपने जीजा को गोली मार दी। गोली लगने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले सोनू शर्मा पुत्र सुभाष अपनी बहन के साथ कन्नौज कचहरी से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में पीछे से दो बाइक सवार चार लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया और उनके पास से ओवरटेक कर सटा कर गोली मार दी। कुछ नहीं, हम लोग पहले कोर्ट गए थे, तो कोर्ट से वापसी आ रहे थे, पहले कोर्ट में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर रास्ते में लोगों ने गोली मार दी। भैया किसने गोली मार दी? जो लड़की है, लड़की का पक्ष है ना, उसके भाई लोगों ने। किस जगह गोली मारी? उनके मारी तो थी, क्योंकि बाइक के पीछे मैं बैठी थी, बाइक की जगह थोड़ी सी दूरी पे, तो उन्होंने मारने की कोशिश की ऊपर, लेकिन वो पेड़ के पास से लग गई। गोली लगते ही वे सड़क पर छटपटा कर गिर गया। बाइक गिरने से उसकी बहन भी घायल हो गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगे युवक और उसकी बहन को यूपी 100 की गाड़ी से मेडिकल कॉलेज तिरवा पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसको कानपुर रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट। मुरादाबाद के आरटीओ कार्यालय में मंडल आयुक्त के आने की खबर से हड़कंप मच गया। मुरादाबाद आरटीओ कार्यालय में मंडल आयुक्त की आने की खबर से दलालों में हड़कंप मच गया। पूरे दिन ऑफिस में सन्नाटा पसरा रहा। आनन फानन में आरटीओ जय शंकर तिवारी ने कार्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त कराया। दरअसल कमिश्नर राजेश कुमार सिंह अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कार्यालय आए थे। जब तक श्री सिंह कार्यालय में मौजूद रहे, तब तक दलालों में हड़कंप मचा रहा। एआरटीओ प्रशासन श्री जयप्रकाश गुप्ता ने दलालों को फटकार लगाई और कहा, यदि किसी आवेदक को कोई समस्या हो तो उनसे सीधे संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अनिल कुमार सागर की रिपोर्ट। घोसी लोकसभा सांसद ने चार मीडियाकर्मी पर फर्जी मुकदमा दायर कराया, जिसको लेकर पत्रकार धरने पर बैठ गए। असंसदीय शब्दों के लिए जाने वाले जिले के घोसी लोकसभा के सांसद हरि नारायण राजभर की बदजुबानी को बेनकाब करने वाले चार मीडिया कर्मियों पर सांसद ने फर्जी मुकदमा कायम करा दिया। दरअसल सांसद ने सूबे के मुख्यमंत्री की मां को गाली दिया था, जिसको मीडिया कर्मियों ने प्रमुखता के साथ चलाया, तो सांसद ने दोष भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके विरोध में पत्रकारों ने सांसद के खिलाफ में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। मुकदमा नहीं दर्ज होने पर पत्रकार कोतवाली में धरने पर बैठ गए। हम लोग यहाँ पे मऊ जनपद के पत्रकार भारी संख्या में यहाँ पे घोसी लोकसभा के सांसद हरि नारायण राजभर जी द्वारा चार पत्रकारों के खिलाफ, योगी के खिलाफ उनके द्वारा शब्द बयान देने की खबर चलाने को लेकर FIR दर्ज कराया था, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं कि सांसद जी ने हम लोगों पर गलत FIR दर्ज कराया है। कृपया पुलिस उस मामले को संज्ञान में लेके हम लोग के तरफ से जो दिया गया है तहरीर, उसको FIR दर्ज करें और पत्रकारों को न्याय दें। क्योंकि मामला योगी जी कहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्ट शासन काम नहीं करेगा,
लेकिन जब भ्रष्ट के खिलाफ खबर चलाया जा रहा है और सांसद जी खुद अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अशब्द बयानबाजी दे रहे हैं, जिसको मीडिया ने प्रमुखता से चलाया, जिसको देश के कई टीवी चैनलों ने चलाया, तो उससे नाराज होकर सांसद ने पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया और उल्टे कई गंभीर मामलों में फंसाने का मतलब जिम्मा लिया है कि हम फंसा देंगे सबको। बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि वरिष्ठ पत्रकारगढ़ कोतवाल साहब से बात कर रहे हैं, कोतवाल साहब क्या आश्वासन देते हैं, हम लोग को बस FIR की तहरीर कापी चाहिए, बाकी न्याय दें, जो गलत है उसको सजा दें और जो सही है उसको वक्स दें, बस उत्तर प्रदेश सरकार से योगी से यही न्याय की उम्मीद है। हालांकि इस मामले में पत्रकारों की बात शहर कोतवाल सुरेश मिश्रा से हुई तो कोतवाल ने उच्च अधिकारियों के निर्देश व जांच करने की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके आक्रोश में पत्रकार धरने पर बैठ गए। हालांकि इस मामले में पत्रकारों का कहना है कि जब तक मामले में सांसद के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होता है और FIR की कॉपी पत्रकारों को नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तरनतारन पुलिस ने पट्टी में हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाई। तरनतारन पुलिस ने पट्टी में हुए कत्ल कांड की गुत्थी सुलझाई। तरनतारन के SSP दर्शन सिंह मान ने बताया कि मृतक अमनदीप सिंह वो उसके साथियों ने अप्रैल महीने में चंडीगढ़ में गुरतेज सिंह पुत्र प्रतपाल सिंह को अगवा कर उसका कत्ल किया था। उस मामले में अमनदीप सिंह भगौड़ा चल रहा था। चंडीगढ़ में कत्ल हुए गुरतेज के पिता प्रतपाल को सूचना मिली कि उनके पुत्र का हत्यारा अमनदीप सिंह पट्टी क्षेत्र में घूम रहा है। प्रतपाल सिंह ने 4 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अमनदीप की हत्या की साजिश रची और गत दिनों पट्टी के सिविल अस्पताल में दवाई लेने अमनदीप सिंह को गोलियां मारकर मार दिया। पुलिस ने CCTV कैमरे की सहायता से आरोपियों की कार की पहचान कर इस मामले के मुख्य की पहचान कर आरोपी प्रतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के तरन तारण से सुखजिंदर सिंह की रिपोर्ट। नाबालिग अपहरण कांड में कुल्टी थाना पुलिस ने छापेमारी कर अपहरित और आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग अपहरण कांड मामले में कुल्टी थाना पुलिस ने बोकारो में छापा मारकर अपहृत व आरोपी सूरज हांडी को गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट में चालान किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस की कल्याणेश्वरी निवासी बेबी हांडी राजेश हांडी, बादल सिंह व बबलू हांडी की तलाश है। अपहृत को ACGM कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन भी कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर। नमस्कार।